हेलो दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य। वापस आया हूं नई वीडियो के साथ। इस बार हम बात करेंगे भारत बेंच 3723R इस ट्रक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत बेंच 3723R भारत बेंच की सबसे लंबी ट्रक है और ये BS3 नॉर्म्स के हिसाब से बनाई गई है। जैसे आप जानते हैं कि BS3 नॉर्म्स इंडिया से हटाए गए हैं, तो जो भी ट्रक सब सेल होंगी वो BS4 नॉर्म्स फॉलो करेंगी। तो ये भारत बेंच का 37 टन का ट्रक है, जो सबसे लंबा ट्रक माना जाता है उसकी कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्या कॉम्पिटिटर्स की। तो इसका पहला कॉम्पिटिटर है ये टाटा की 3723, जो कुछ इस तरह से दिखती है फुल्ली बिल्ड ट्रक में, और कॉबी फॉर्मेट में दिखती है कुछ इस तरह से। तो टाटा के 2 वर्जन अवेलेबल है। इसकी दूसरी कॉम्पिटिटर है अशोक लेलैंड की 3718IL, वो भी 37 टन की है, कुछ इस तरह से दिखती है। इसके बाद में थर्ड कॉम्पिटिटर है आइशर की प्रो 6037, ये प्रो सीरीज की ट्रक है जो कुछ इस तरह से दिखती है। और इसकी फोर्थ कॉम्पिटिटर है महिंद्रा प्लेजो 37, जो भी वो कॉबी फॉर्मेट में भी मिलते हैं इस तरह, और फुल्ली बिल्ड ट्रक में भी मिलते कुछ इस तरह। तो ये थे इसके कॉम्पिटिटर्स। अब आ जाते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो अब बात करते हैं भारत बेंच 3723R के स्पेसिफिकेशंस की। तो स्पेसिफिकेशंस की सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस में आता है इंजन। तो इसमें है DE175 इंजन, जो कि BS4 है, और ये है 6372cc का 6 सिलेंडर्स वाला इंजन, जिसकी पावर है 235 हॉर्स पावर एट 2200 RPM, और इसका टॉर्क है 850 न्यूटन मीटर एट 1200 से 1600 RPM। अब बात करते हैं इसके गियरबॉक्स की। तो इसमें G131 10 स्पीड गियरबॉक्स, जो कि 9 स्पीड फॉरवर्ड और 1 स्पीड रिवर्ड गियर है, और इसकी इसमें है क्लच, जो कि सिंगल प्लेट ड्राई हाइड्रोलिक कंट्रोल क्लच है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो इसमें न्यूमेटिक एयर ब्रेक्स विथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, तो ये ट्रक में भी ABS आपको मिलेगा। पिछले वीडियो में ब्लेजो में भी आपने देखा था कि ABS मौजूद है वहाँ पर। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो इस ये ट्रक है 5 एक्सल का। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड एक्सल जो है उसमें है पैराबोलिक लिप स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जॉर्बर्स, और इसका थर्ड एक्सल जो है वो फर्स्ट और सेकेंड एक्सल के साथ टर्न करता है, और उसमें है एयर बेलो एयर सस्पेंशन, जो ऑटोमेटिक लिफ्टिंग एंड लोअरिंग में मदद करता है। जैसे आप ट्रक में लोड डालोगे वो एक्सल नीचे जाएगा, और जैसे आप लोड निकाल लोगे एक्सल ऊपर जाएगा। और लास्ट के 2 एक्सल जो है, जो डबल टायर के एक्सल है, उसमें है बैलेंसर सेमी इलेक्ट्रिकल लिफ्ट स्प्रिंग। तो आ जाते हैं इसके स्टेयरिंग पे। तो इसमें हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग जो आप किसी भी नॉर्मल कार में देख सकते हैं। इससे क्या होता है, ट्रक चलाने में आसानी होती है और ड्राइवर के हाथों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। सेकेंड थिंग, इसका फ्यूल टैंक है 380 लीटर्स का, जो अच्छा माना जाता है, ठीक ठाक है, ज़्यादा है। और इसमें एक एडिशनल टैंक भी है, एडब्लू टैंक जो है 60 लीटर का, 60 लीटर्स। अब आते हैं इसकी ग्रेडेबिलिटी पे। तो क्रॉलर गियर यानी फर्स्ट गियर पे इसकी ग्रेडेबिलिटी है 29.6% लोडेड ट्रक पे। तो ये थी स्पेसिफिकेशन इस ट्रक के बारे में। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट, भारत बेंच का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इस ट्रक के कुछ खास फीचर्स में। तो सबसे पहला फीचर है ये जो आप देख सकते हैं, LED DRL। तो ये इसका ट्रक का हेडलैम्प जो है इसमें LED यूज़ किया, और DRL यूज़ किया डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो सामने से आने वाली गाड़ी को चेतावनी देते कि सामने से कोई ट्रक आ रहा है, जो दिन में इसकी रोशनी बढ़िया दिखती है सामने से आते हुए। सेकेंड, इसमें ऑप्शनल फीचर है HVAC यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो आप ऑप्शन हो लगा सकते हैं सुकून से ड्राइविंग करने के लिए। इसमें थर्ड सिस्टम भी है ऑप्शनल, वो है रिवर्सिंग कैमरा, जो इतनी बड़ी ट्रक है जो पार्क करने में आपको दिक्कत होगी ढाबे पे, हाईवे पे, कहीं पे भी पार्किंग स्पॉट पे, तो इसमें रिवर्स कैमरा का फंक्शन भी दिया हुआ है। लास्ट, इसमें ऑप्शन है क्रूज कंट्रोल का। तो अगर आप हाईवे पे, अगर खाली है हाईवे 60-70 किलोमीटर, 30-40-50 किलोमीटर की स्पीड पे अगर आपको गाड़ी चलानी है, ट्रक चलानी, तो इसमें क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया, प्लस माइनस जैसे कि आप देख सकते हैं बटन है, तो क्रूज कंट्रोल भी इसमें। फोर्थ फीचर इसका कैबिन, जैसे आप देख सकते हैं इंटीरियर भी, आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इंटीरियर दिया, बिल्कुल कार की तरह आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड वगैरह सब आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसकी कुछ खास बातें थी। अब आ जाते इसके अवेलेबल कलर्स में। तो इस ट्रक में 2 कलर्स अवेलेबल है, जो पहला है वो गोल्डन ब्राउन, जो कुछ इस तरह से दिखता है, और सेकेंड कलर है वो जो है आर्टिक ब्लू। तो आर्टिक ब्लू कलर में आपको एक ब्लू कलर की 2 स्ट्राइप्स दिखती है, जो कुछ ट्रक को अच्छा दिखने में ऑप्शन अच्छा दिखता है ट्रक का। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो के बारे में, भारत बेंच 3723R के बारे में। अगर आपको किसी और नई ट्रक के बारे में रिव्यू देखना है तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में दोस्तों। अगर कुछ गलती होगी रहेगी तो मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं कुछ गलत बोला रहूँगा तो नीचे कमेंट्स में बता देना, और इसी तरह सपोर्ट कीजिए दोस्तों। एक लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।